नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर गिरीश पटेल, रिजुविनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम पूरी सीरीज चला रहे हैं कि तनाव से मुक्त कैसे हो, इस विशेष सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी स्वागत करता हूं। नमस्कार। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जो युवान है, यंग एडल्ट्स है, कि उनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, वह मुंझे हुए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, कौन सी फील्ड चूज करनी है। काफ़ी अच्छी हमारी चर्चा हुई है। अब जो एक और इसके साथ पहलू आता है उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा ना। हम चाहते हैं कि भी लोगों का अप्रूवल, जैसे कि आज हमारी जो बिहेवियर है वो अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर है ना। आपको क्या अच्छा लगता है वह नहीं, कि भी लोगों को क्या अच्छा लगता है, हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं ताकि एक्सेप्टेंस मिले। हाँ, और अगर लोग आपको स्वीकार नहीं करते तो आप समझते नहीं है मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मुझे और कुछ करना चाहिए। करेक्ट। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है लोगों से, तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता। क्या वो ठीक है? यस, कि अगर पेरेंट्स से मिल जाए, बाकी दूसरों से मिल जाए, तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नहीं, लेकिन नहीं मिले तो? और नहीं मिले तो फिर हमारे पास है डॉक्टर मोहित। देखिए, मैं एग्री करता हूँ आपसे डिसएग्री करने का। क्यों? क्योंकि आप एक बात समझिए, दो बातें यहाँ पर आई कि लोग क्या कहेंगे और दूसरा आपने बात करी कि एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर पीपल। मतलब हम कहते हैं कि दोनों चीजों में हमने अपनी लाइफ का फोकस, लाइफ किसकी है दूसरे के हाथ में दे दी। दैट मींस इफ समबडी सेज कि मैं ये कर रहा हूँ और वो कहेगा तेरे को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे उसमें खुशी मिल रही है, एक अच्छे कार्य में मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन कहता है ये तुम्हारे उसका नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, आई बिकम सैड। तो मेरे को अप्रूवल नहीं मिला, अप्रूवल मैंने सीख करने की कोशिश बाहर से। एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए और मैं कहूंगा कि सभी दर्शक भी, सभी यूथ्स भी, सभी पेरेंट्स भी अपने आप से एक बात पूछें कि आज ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं, इज इट अवर लाइफ या किसी और की लाइफ? वेरी गुड। प्रॉब्लम आज हमारी लाइफ में एक है और यही एक प्रॉब्लम हमारे ईगो का, हमारे रहन सहन का, द वे वी कैरी अवरसेल्व्स, उसका कारण बन जाती है। वो ये है कि वी डू थिंग्स टू मेक अदर्स हैप्पी। यही प्रॉब्लम है। आज लोग अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरे के पास ज्यादा बेटर गाड़ी है। जरूरत नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी है। 50 ड्रेसेस मेरी वार्डरोब में टंगी हैं यूथ्स के पास, लेकिन उसकी स्टाइल वाली चीज बहुत बढ़िया है तो मैं भी एक खरीद के अपने पास टांग लूं। तीसरी चीज मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जब हम जाते हैं अच्छी तरह ड्रेसअप होके जाएंगे, अच्छी बात है, ड्रेसअप होना, अच्छे कपड़े पहनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं होता कि हम जाएंगे एंड वी स्टार्ट कि वेदर पीपल आर एडमायरिंग मेरा न्यू गहना, मेरी नई घड़ी, मेरे अच्छे जूते किसी ने एडमायर किए या नहीं किए? दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दो आज हमारी फैमिलीज, हमारे यूथ्स में आ गया है, द अप्रूवल सीकिंग। और जहाँ अप्रूवल, क्या कह रहे हैं, ये सुन के यूथ्स बहुत खुश होंगे कि ये मेरी लाइफ है और मैं जैसे जीना चाहता हूँ वैसे मैं जीऊँ। अर्थ ये नहीं है कि आपने जैसी लाइफ है कि आपने अपने घर का सामान को पटक दिया, इट्स माय लाइफ, जैसे गाना आता ना इट्स माय लाइफ, तो हम लोग कूड़े की तरह रखे। नहीं नहीं नहीं, कहने का अर्थ ये है कि आपको पूरी राइट दिया जाता है कि आप अपनी जिंदगी को चुन सकते हैं, लेकिन उस राइट के अंदर एक शब्द और एडेड है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी, है ना। राइट का अर्थ ये नहीं होता आपको गाड़ी दी एक बढ़िया सी कि आप चलाइए, वो इसलिए नहीं दी कि आपका राइट है तो मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं किसी को मार दूं कर दूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में उसके अंदर एक टैग मार्क की तरह लगा होता है।
हमारी जिंदगी में राइट सेंटर जाती है और बढ़ जाती है, बिल्कुल। अप्रूवल सीकिंग के लिए आप जो कुछ भी करते हो उससे आपकी कितनी एनर्जी चली जाती है, एक तो ये पहलू है, और दूसरा आपको कितना आर्टिफिशियल बनना पड़ता है, है ना? आप नेचुरल नहीं रहते हो। जब आप आर्टिफिशियल बनते हो ना तो बहुत टेंशन होता है। अगर आपका मार्ग सही है, इफ इट इज राइट, विद टाइम सब लोग इसको नेचुरली अप्रिशिएट जरूर करेंगे। एग्रेसिवनेस मत लाइए, बिल्कुल विचार के अंदर और अपने बिहेवियर के अंदर सौम्यता लाना, उसके अंदर एक सिंप्लिसिटी और एक ह्यूमिलिटी लाना वो बहुत आवश्यक है। दूसरों को एकदम नाराज नहीं करना, लेकिन साथ साथ हम हर चीज दूसरों के अकॉर्डिंग करें ये भी गलत हो जाता है। और ये आज इसलिए नहीं हो पाता, क्यों नहीं, क्योंकि आज हम लोगों ने अपने इंटरनल मैकेनिज्म को बहुत वीक कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी हमको चाहिए तो वी स्टार्ट सीकिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड सोर्सेस से। मुझे खुशी भी बाहर से चाहिए, मुझे अप्रूवल बाहर से चाहिए, मुझे एप्रिसिएशन बाहर से चाहिए, मुझे प्यार बाहर से चाहिए। तो जिसको हम कहेंगे ना कि रिमोट कंट्रोल जो है वो मेरी खुशी है, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल हम सब लोग दे देते हैं, वो बाहर दे देते हैं कि वो उसके हाथ में है, उसको करना है, वो करेगा तो मैं खुश हूँ। और इसी कारण आज यूथ्स का पर्टिकुलरली या सभी का हम देखें, दिन में 10 बारी मूड ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ऐसे और कोई ऑफ ऑन करता है आपके, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, खुद को ही कमजोर बना, खुद को ही हमने कमजोर बना। इसमें एक बात ये भी देखनी चाहिए, फॉर एग्जांपल कि भी मेरे में ईगो है, मैंने ईगो से व्यवहार कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है, परंतु अगर मेरे 10 मित्रों में से 9 लोग कहते कि देखो तुम्हारे में ईगो है, तो मुझे उसको एक उस पर थोड़ा एटलीस्ट मंथन तो मैं जरूर करूं और चेंज करूं, एक की बात बोले नहीं भी सुनो, है ना? तो ऐसे दोनों का बैलेंस, लोग क्या कहेंगे उसको वैल्यू नहीं देनी है, लेकिन अगर लोग बता रहे तो वो एक इनपुट के रूप में तो लो ही, फिर आप निर्णय करो। देखिए बहुत ही सुंदर बात किसी ने कही है, और इस पे अगर हम सभी लोग गौर डालें तो ये हमारी जिंदगी का एक सच है कि जो झुक जाए उसी के अंदर जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है ना? तो मॉडिफाइंग नेचर जो है वो एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। कई बार हम लोग कंपैरिजन भी कर लेते हैं, या बच्चे भी कंपैरिजन करते हैं, वो मेरे से ज्यादा बेस्ट है, मतलब मेरे में वो क्वालिटी नहीं है या मैं वीक हूँ। मेरे पास एक भाई साहब आए थे, लगभग 40 साल के थे, उन्होंने ड्रिंक्स लेना शुरू कर दिया था, पढ़ाई भी नहीं की, जॉब भी नहीं की, लीवर पूरे डैमेज हो चुके थे। उन्होंने मुझे उसका वो बताया कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई, जब मैं छोटा था मेरी मम्मी हमेशा मेरे कजिन्स के साथ कंपैरिजन करती थी कि वो इतना पढ़ रहा है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने सोचा मुझे पढ़ना ही नहीं, और मैं बियर बार में जाकर बैठ जाता था। सूक्ष्म अंतर है कंपैरिजन और मोटिव का, लेकिन वो समझ नहीं पाया। लेकिन और आपकी और ये आज एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि बचपन से ही आरंभ हो जाती है। दो बच्चों को आपस में कंपेयर किया जाता है, दो यूथ्स को आपस में कंपेयर किया जाता है कि वो ज्यादा परफॉर्मिंग है, और ऑफन हमारा कंपैरिजन जो होता है वो उसकी रेन्यूमरेशन के हिसाब से, उसकी अर्निंग के हिसाब से होता है। मैं समझता हूँ कि आज कंपैरिजन होना चाहिए हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से। आप जानते हैं कि पूरे इस दुनिया के अंदर एक ही कंट्री है जो हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर अपना जीडीपी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करती है, भूटान। वहां पे लोग जो देखते हैं वही कैलकुलेट करते हैं कि हम कितना खुश हैं। आप वहां पर जाएंगे तो सबकी ड्रेस एक सी होगी, सबके चेहरे जो है चमकते हुए ग्लोइंग होंगे। वो क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि क्या मैं खुश हूँ। तो आज हम लोग अगर इस चीज की मान्यता धारण करें अपने मन के अंदर कि दो जो सोल्स हैं, दो जो आत्माएं हैं, जो दो हमारी संतान है, नो टू पीपल आर इक्वल। ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस, ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर नहीं है जो यहाँ पर है जिसके अंदर गुण ना हो, equal, उसकी एक कैपेबिलिटी जरूर होगी। और यही हमको आध्यात्मिकता सिखाती है कि परमात्मा क्या करता है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर एक भी गुण है, वो उस गुण को चुनकर उसको कार्य में लगाकर उसको आगे बढ़ा देता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और ये कंपैरिजन जो है ये हमारे लिए डिस्ट्रक्शन का काम करता है। किससे कंपेयर करना चाहते हैं? देयर इज ऑलवेज अ बेटर पर्सन टू कंपेयर, देयर इज ऑलवेज अ वर्स पर्सन टू कंपेयर। आपके पास चॉइस सब प्रकार से है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को कंपैरिजन अपने आप से करना चाहिए। वो यूनिक है, हर व्यक्ति यूनिक है। और मैं अगर आज बेटर करता हूँ कल से, तो दूसरे से जीतने के लिए नहीं,
ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं रहा, कई बार हमने भी कंपैरिजन किया अपने यूथ में, हमारे अंदर भी होड़ रही कि हम उससे आगे निकलें, लेकिन देखा गया कि जब मैं अपने रिकॉर्ड्स को बीट करने के लिए आगे जाता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो और बेटर हो जाती है, नेचुरली होगी. क्यों? क्योंकि आई एम बीटिंग. तो मैसेज इज कि डोंट वेस्ट टाइम इन लिविंग समवन एल्सेस लाइफ. अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से खुशी से जीजिए और दूसरे की जिंदगी को रोल मॉडल जो आपने बनाया, कि अक्सर रोल मॉडल होंगे तो कोई फिल्म एक्टर को रोल मॉडल बना लिया, अपने बाल उस प्रकार से सेट कर लिए, अपनी दाढ़ी उस प्रकार से रख ली, अपने कपड़े को ड्रेसिंग सेंस उस प्रकार से रख लिया, आजकल ये फैशन चल रहा है, आउटलुक हो गया भाई. क्या आप वही हैं जो वो आप करना चाह रहे हैं? वो नहीं है. आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस को हम कहते हैं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे स्वयं की क्रिएटेड है. आप ये भूल जाते हैं कि हम एक्स वाई जेड से भी यूनिक हैं अगर हम कंट्रीब्यूट करने की इच्छा रखें, लेकिन उसके लिए हमको अपने मन को सशक्त करना. और अध्यात्म हमको ये भी सिखाता है कि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा बन ही जाता है, तो अपने आप को छोटा नहीं समझे. और इससे भी बड़ी बात तो अध्यात्म की जो भाई जी ने कहा कि भी कोई ना कोई एक तो गुण हमारे में है. करेक्ट. अध्यात्म तो हमें बताता है कि ओरिजिनली आदि रूप से तो वी आर फुल ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज. आज जो है वो हमने एक्वायर की है ना, नेगेटिविटी कैसे आई, एक्वायर की ना, कि भी इस सृष्टि चक्र की शुरुआत में तो सब आत्माएं प्योर है, सब आत्माएं पॉजिटिव है, आनंद से भरपूर है, शक्ति स्वरूप है. yes. तो उसी को आप देखो तो सबसे अच्छा है. ये भी जो बात है कि अगर कंपेरिजन करनी है तो अपने आप से करो, अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के साथ करो कि भी मैंने पास्ट में इतना अच्छा किया था, मैं आज भी कर सकता हूँ. अगर हम सब लोग ये बात को समझें कि इस शरीर को जो आज कार्य कर रहा है, इसको चलाने वाली जो सत्ता है, इसको चलाने वाली जो एनर्जी है, इसको चलाने वाली जो कॉन्शियसनेस है, जो स्पिरिट है, जो साइकी है, जो बीइंग है, जो गॉड स्पॉट है, जो भी उसको नाम देना चाहे, जो साइंस आज क्लियरली प्रूव कर चुकी है, वो एनर्जी जो है वो इटर्नली और इंटरनली बहुत पावरफुल और पॉजिटिव है, जैसे आपने बताया, जिसके तीन मैकेनिज्म्स के रूप से वो काम करती है कि मन, बुद्धि और संस्कार. माइंड हमारा सोच रहा है, जब माइंड सोचता है तो बुद्धि उन थॉट्स पर डिसीजन ले लेती है, जब बुद्धि डिसीजन लेती है माइंड के विचारों पर तो हम उसको कार्य में ले आते हैं. अब आप एक बात सोचिए, अगर मन ये विचार लाए कि भाई ये कार्य तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा या ये मेरे बस की नहीं है, वो व्यक्ति मुझसे ज्यादा बेटर है क्योंकि सब लोग ये कहते हैं, तो बुद्धि कहेगी हाँ तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे विचार ही इस प्रकार से हैं, तुम ठीक कहते हो, तुम लोग तुम ये कार्य नहीं कर पाओगे. और नहीं कर पाओगे तो क्या वो बच्चा उसको कोशिश करने की कोशिश करेगा? वो नहीं करेगा, वो पहले ही हार मान के बैठ गया. और जब हार मान, यानी कॉम्पिटिशन से पहले ही वो अपने आप को बाहर कर देता है. ऑन व्हाट बिलीफ? कि लोगों ने उसे बताया या बाहर से उसने इनपुट्स लिए कि मैं ये नहीं कर सकता. लेकिन आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी जो हमने अपनी लाइफ में भी देखा, वो ये कहती है कि तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा. हमारी मम्मी और डैडी बड़े मजेदार बातें करते थे. कई बार हम बोलते थे कि ये कॉम्प्लेक्स केस हम करने जा रहे हैं या ये पढ़ाई बहुत ही डिफिकल्ट है, इसमें ये आज एग्जाम बड़ा डिफिकल्ट है, इसमें आज तक कभी किसी का ये नहीं हुआ. ऐसे ही होता था, कभी पैथोलॉजी का होता था तो पैथोलॉजी में कभी आज तक किसी की डिस्टिंक्शन नहीं आई, ऐसी बातें हम करते थे जो बच्चे आकर हम घर में करते हैं. तो मम्मी बोलती थी कि भाई देखो ऊपर से कोई नई गैलेक्सी से कोई स्टार्स तो नहीं आते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे ही करते हैं, अगर तुम करना चाहोगे तो कर लोगे, ऐसे बोल के वो शांत हो जाती थी. बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही वर्ड आते थे. और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक री एनफोर्समेंट होता था सशक्त हमारे मन को कि हम ये कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिकता को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से अपनाया, घर को बड़ा बैलेंस तरीके से बनाया था. उनको ये निश्चितता थी कि बच्चे भले मेरे हैं लेकिन ये इनको चलाने वाला कौन है? परमात्मा है. और मजे की बात कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पैथोलॉजी में भी डिस्टिंक्शन पहली बार आई, बड़ी हैरानी की बात हुई सबके लिए. बट हमें हमेशा ये महसूस होता था कि हम कर तो रहे हैं लेकिन हमसे कोई कुछ करा रहा है, कोई एनर्जी हमको बाहर से हेल्प कर रही है. और ये क्यों होता था? क्योंकि जब माइंड प्योर होता था ना, आप देखिए संकल्प में डाइवर्जन नहीं है, संकल्प आपका फोकस हो गया, यानी मन, जैसे आप अभी गिरीश भाई लास्ट टाइम बता भी रहे थे कि मन बिल्कुल फोकस हो गया कि मैं ये कर सकता हूं,
मैं ये कर सकता हूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तो बुद्धि कहेगी हाँ बिल्कुल ठीक तू कहता है, तूने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो ये संकल्प जब बुद्धि और जब मन और बुद्धि कहते हैं कि स्टैंप स्टैंप दो साइन हो गए और वो कर्म में हम ले आते हैं, और जब हम कर्म में उस चीज को लाते हैं तो आध्यात्मिकता क्या करती है, वो मन और बुद्धि को पैराशूट की तरह खोल देती है। पैराशूट ही तो है मन और बुद्धि, वो बेस्ट फंक्शन करेगा जब वो ओपन है। यही कहा जाता है ना कि माइंड एंड इंटेलेक्ट आर लाइक पैराशूट, दे बेस्ट वर्क व्हेन दे आर ओपन। तो जब हम उसको कर्म में लाते हैं इस विश्वास के साथ कि मैं ये कर सकता हूं, तो मन जब ओपन है तो सारी एनर्जी ऊपर से विचार आने लगते हैं। और स्पिरिचुअलिटी वो कोई ऐसा नहीं मेजर मॉडिफिकेशन कर देगी, वो ये नहीं करेगी कि नहीं भाई आपकी पूरी थॉट प्रोसेस को, वो आपके थॉट प्रोसेस को संयमित कर देती है, उसको बैलेंस्ड कर देती है। ऐसे ऐसे ये लाइफ नहीं रहती आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक में ऐसे ऐसे बैलेंस्ड, बिल्कुल बैलेंस। तो उतार चढ़ाव नहीं आता। देखिए एक बड़ी मजेदार बात है गिरीश भाई, मुझे ध्यान आ रही है कि किसी ने पूछा था कि बहुत चिंता रहती है, समस्याएं बाहर से बहुत है, तो मैंने उसे एक बात कही कि देखो समुद्र चाहे कितना भी भयानक हो और चाहे कोई छोटा सा पानी का एक तालाब भी हो, लेकिन नैया जो है, नाव जो है, वो तब डूबती है या जहाज जो है तब डूबता है जब पानी उसके अंदर आता है ना। टाइटैनिक जैसा जहाज भी जिसको कहते हैं कि कभी डूब नहीं सकता था, वो भी डूब गया। कारण यही था कि इंजरी के कारण उसके अंदर पानी आया। और कई छोटी छोटी नाव भी है वो उन्हीं तूफानों से तैरती तैरती निकलती चली जाती है। केवल एक चीज का डिफरेंस है कि वो अपने अंदर पानी नहीं आने देती। यही हमारी लाइफ का है। पहले हम उदाहरण देते थे, आपने भी सुना होगा कि भी एक माइल दौड़ने के लिए कम से कम 4 मिनट तो लगेगी। लोग समझते थे इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि भाई आप नहीं, हमारी फिजियोलॉजी नहीं कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति ने किया तो दूसरे 10 ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ही बात है कि भी पैथोलॉजी में डिस्टिंक्शन नहीं आ सकता है कि भी एक बार आया तो औरों को भी प्रेरणा मिलेगी, है ना। तो भी एक पेरेंटिंग की बात है, और जैसे बता रहे हैं कि भी आध्यात्मिकता से वो आई। हम आम लोग हैं जो आध्यात्म को इतना नहीं समझते हैं अभी, तो हम आध्यात्म को कैसे अपने घर में लाएं, है ना, किन छोटी छोटी चीजों से हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आध्यात्म को समझ सकते हैं। ऐसा लगता है बड़ा सब्जेक्ट है आध्यात्म, है ना। यस, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि परमात्मा ने एक बात बहुत स्पष्ट की है कि अध्यात्म कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। ये केवल एक छोटे से फैक्ट को रियलाइज करना है कि हमारी ये जो शारीरिक प्रक्रिया है जिसको हम लोग पूरे दिन डेकोरेट करते हैं, जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं, इलाज शरीर का ही करते हैं, जिसको हम बड़ा बड़ा करते रहते हैं, संवारते हैं, संभाल कर रखते हैं, एक्चुअलिटी में हमारी ट्रुथ ये नहीं है। इसको चलाने वाली जो एनर्जी जिसके बारे में अभी हमने बात भी की थी, वो हमारी सोल, हमारी साइकी, हमारी कॉन्शियसनेस है। प्लेन बहुत फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वेल फर्निश्ड प्लेन है, लेकिन वो ऑन कहाँ से होता है? कहाँ से होगा? कॉकपिट में जाने से, जब हम सारे स्विचेस को ऑन करेंगे, यानी उसकी कंट्रोल सेंटर जो है वो हमारा कॉकपिट है। तो आध्यात्मिकता वो चीज़ है जो आपको इस शरीर के कॉकपिट में ले जाती है। वो कॉकपिट क्या है? हमारा कंट्रोल सेंटर, अर्थात हमारी आत्मा, अर्थात हमारे मन बुद्धि और संस्कार पर ले जाती है। तो मन बुद्धि और संस्कार, अर्थात हमारा मन जो संकल्प उत्पन्न कर रहा है, बुद्धि जो निर्णय ले रही है, और फिर हम लोग जब कर्म में लाते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो घर में छोटी छोटी चीजों को परिवर्तित करने के लिए हमें छोटे छोटे परिवर्तन करने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे फिजिबल है? करेक्ट, ये सिंपल सा फिजिबल है। जैसे एक बच्चा आपके पास आया, बच्चा रोता हुआ आपका बच्चा आपके पास आया कि आज मुझसे ये गलती हो गई, और आपको पता था कि आपने उसे कहा था देखो ये चीज़ मत करना, लेकिन फिर भी वो गलती करके आपके पास आज आ गया, तो 80% ऑफ द पेरेंट्स का या 70% ऑफ द पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा? गुस्सा होंगे, क्रोध आएगा, कई बार हाथ भी उठा देंगे या जड़ भी देंगे बिल्कुल, और साथ में ये कहेंगे कि देखा मैंने तुम्हें पहले भी, यही वर्ड निकलेगा, देखा मैंने तुम्हें पहले भी वॉर्न किया था कि तुम ऐसा मत करना, फिर भी तुमने किया, तो मेरी सुनते कहाँ हो, तुम्हें 10 बारी बताओ फिर भी तुम्हें वही करना होता है, अब जाओ जाके इसको ठीक करो। या कुछ लोग बोलेंगे जो समझते हुए कि अब वो परेशान है, आध्यात्मिकता कहती है कि देयर इज अनदर वे टू डील विद इट। आध्यात्मिकता हमेशा हमें बताएगी कि
इज देयर अ बेटर वे टू डील विद अ सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन जो नेगेटिव फिनोमेना जनरेट करती है, आध्यात्मिकता कहेगी कि पूछो क्या इस सिचुएशन को डील करने का एक और तरीका था. अब इस सिचुएशन को क्या आप समझते हैं डील करने का कोई और तरीका था, क्या तरीका था आप बताइए. प्यार से उसको समझा सकते थे, सबको मालूम, कोई बात नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करिए, ध्यान से करिए, बताया जा सकता था. उत्तर सबको मालूम है, एवरीबॉडी नोज. लेकिन आध्यात्मिकता क्या करती है कि आपके रिस्पॉन्स को, जो आपका बिहेवियरल आउटपुट आना होता है, उसको रिएक्टिव की जगह उसको रेस्पॉन्सिव कर देती है. वर्ड्स देखिए आप, रिएक्टिव जो कि ऑटोमेटिक बिहेवियर का आउटपुट है. गिरीश भाई इसके बारे में और प्रकाश डाल सकते हैं आपको कि जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं वो इंपल्सिव और रिएक्टिव बिहेवियर लाते हैं, है ना. लेकिन आध्यात्मिकता जो है वो सोचे समझे निर्णय पर, सोचा हुआ और समझा हुआ निर्णय बाहर आता है. अब इसमें नेचुरली जो एक बैलेंस्ड पेरेंट है वो क्या करेगा कि चलो कोई बात नहीं हो गया ना, आगे ध्यान रखेंगे, अब तुम आके खाना खाओ, फ्रेश हो जाओ, रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा. तो बच्चे को प्यार की आपने मरहम दी, उसको फीड किया, प्यार से समझाया, और शाम को उसको नॉलेज भी दी कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो बेटा इसको इस तरीके से करना चाहिए. उसके बाद फिर दोबारा आए, फिर आप उसको एक बार ही समझाइए, स्टर्नली और प्रॉपरली समझाइए, लेकिन अपने बिहेवियर पे नियंत्रण रखिए. ये मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से भी देखा. ऐसा नहीं है ये सब मैंने कहा तो आइडियलिज्म तरीके से हम भी फॉलो कर पाते हैं. देयर आर मेनी सिचुएशंस इन अवर वर्क प्लेस ऑल्सो जहाँ हम लोग रिएक्टिव हो जाते हैं या इम्पल्सिव हो जाते हैं, ईगो भी बीच में आ जाता है. ये उसी का है ईगो. डेफिनेट है कि उसने मेरी बात नहीं मानी, वो सारी चीजें सप्रेस ग्रेजुअली या उनको हमें समझा के बिहेवियर का आउटपुट लाना होता है. लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि आज अगर मैं मॉडिफिकेशन चाहता हूँ, आपने कहा था मैं परिवर्तन चाहती हूँ हमारे घर में, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, रिलेशंस के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हर छोटी चीज़ के अंदर मैं परिवर्तन चाहती हूँ, तो उसके लिए सबसे पहला परिवर्तन आध्यात्मिकता कहती है कि फोकस बाहर से लेके नियंत्रण अंदर ले आओ, रिमोट कंट्रोल को बाहर से लेके अंदर ले आओ. एक सेकंड, जो इनका प्रश्न था ना वो थोड़ा सा, ये भी अच्छा सा उत्तर है, लेकिन उनका प्रश्न ये था कि हम क्या क्या छोटी छोटी चीजें करें ताकि जीवन में आध्यात्मिकता आए. तो अगर उसका उत्तर इस प्रकार से भी दे सकते, सिंपल सा भी करना शुरू करो कि रोज 5 मिनट साइलेंस में बैठो. चलो आपको आध्यात्मिकता मालूम नहीं है, है ना, सवेरे तैयार होके रिलैक्स होके बैठो, है ना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो कि मन में क्या चल रहा है, तो भी उससे भी आपका एक स्टेप आगे आ जाएगा. फिर और ये जैसे कहा वो भी करना शुरू कर दो, है ना, कुछ ऐसे प्रश्न अपने आप को पूछो कि क्या मैं हाथ हूँ, क्या मैं आँख हूँ. तो इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है, आप कहीं पे भी कुछ काम करते भी 5 मिनट निकाल सकते. सबसे बड़ी ब्यूटी है इस मेडिटेशन की जो हम लोग पर्सनली प्रैक्टिस करते हैं, जैसे गिरीश भाई ने बताया कि ये एक पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट से आप स्टार्ट करिए कि भाई ये भी कि अपने थॉट्स को हम वॉच करें, विचारों को हम वॉच करें कि किस प्रकार के विचार आए जा रहे हैं. हमारे हर थॉट्स के साथ हमारा ब्रीदिंग भी चेंज होता है, हर इमोशंस के साथ हमारा ब्रीदिंग चेंज होता है. अगर हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अगर हैबिट हम डालें रोज 5 मिनट डीप गहरी और लंबी सांस लेने की, तो भी मन शांत रहेगा. आप एंग्जाइटी है, फियर है, एंगर है, वो भी आप कंट्रोल में ले सकेंगे. बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही थी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आगे भी हम इस चर्चा को जरूर जारी रखेंगे. दर्शक मित्रों, आपने देखा होगा कि कैसे छोटी छोटी बातें लाइफ में चेंज ला सकती है. और जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस एपिसोड में लगी कि पेरेंट्स अगर आध्यात्मिकता को अपनाएंगे तो जैसे मोहित ने कहा कि भी पैथोलॉजी में डिस्टिंक्शन नहीं आ सकता है, और किसी को भी नहीं आता था, फिर भी माँ ने किस प्रकार से वो इनपुट दी. वो इनपुट ऐसे नहीं आएगी, सिर्फ डॉक्टर बनने से वो इनपुट नहीं आएगी, वो इनपुट आई स्पिरिचुअलिटी को अपनाने से. यह बात भी जो हमने की कि बस थॉट्स को ऑब्जर्व करना आप शुरू कर दो और सोचना शुरू कर दो कि मैं कौन हूँ, आपको धीरे धीरे उसके जो सटीक उत्तर है वो मिलने लगेंगे. जरूर आपको हमारे यह कार्यक्रम अच्छा लगता होगा, इसके विषय में आपके कोई भी प्रश्न है, आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात करना चाहते हैं,
तो आप ज़रूर उनसे संपर्क भी कर सकेंगे, उनसे बात भी कर सकेंगे, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ज़रूर हमें बताते रहिए ताकि उससे भी एक प्रेरणा मिलेगी। कई बार मैंने अनुभव किया है कि जो पिछले बहुत सारे प्रोग्राम्स चले, आप सभी टीवी में देखते हैं, और जब लोग ये देख करके कहते हैं कि भी आपका प्रोग्राम देख के मेरा डिप्रेशन दूर हो गया, तो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि भी जो डिप्रेशन 5 साल दवाइयां लेके ठीक नहीं होता है, वो सिर्फ प्रोग्राम दे करके ठीक हो गया। तो ज़रूर आप हमारे साथ रहना, अगली कड़ी में फिर से आपकी से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।